एम आई टू लेट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2024? क्या मेरे पास सफिशियंट समय है यूपीएससी 2024 निकालने के लिए? ये क्वेश्चन हर एक एस्पिरेंट्स के मन में जरूर चल रहा होगा। आज इसी क्वेश्चन का मैं आंसर देने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से ये क्वेश्चन हट जाएगा, आपको एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, जिससे आप नेक्स्ट 80 डेज में यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल ले जाओगे। गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी सो दैट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो कैन अंडरस्टैंड दिस। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, एम आई लेट फॉर द प्रीलिम्स 2024, मेरे से 6 महीने पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था, 3 महीने पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था, 2 महीने पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था, 1 महीने पहले स्टूडेंट ने पूछा था, और आज भी एक स्टूडेंट ने कॉल किया था, उसने सेम क्वेश्चन पूछा था, क्या मेरे पास अभी सफिशिएंट समय है यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए। गाइस, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 6 बार अटेम्प्ट किया है, 6 times आई हैव अटेम्प्टेड यूपीएससी प्रीलिम्स, एंड आई हैव द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ क्रैकिंग 6 out of 6 times, एंड बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट थे मेरे जहां मैंने हार्डली 1-2 महीने भी तैयारी की थी और मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स सिर्फ निकाला ही नहीं, हाईएस्ट स्कोर करके निकाला। आप देख सकते हो सम ऑफ माय मार्कशीट्स, 138.66, 144.66, ये रिकॉर्ड मार्क्स है यूपीएससी के हिस्ट्री में, आप जाके चेक कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली मेरे 6 के 6 अटेम्प्ट में ना कट ऑफ से बहुत ज्यादा स्कोर किया मैंने। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बात करने जा रहा हूं, एक आपको ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जो इसे यूज करके आप नेक्स्ट 80 डेज में यूपीएससी का प्रीलिम्स डेफिनेटली निकालने जाएंगे यदि आपने अपने को कमिट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आपको एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। गाइस, जानते हैं आपके पास साल भी पड़ा हो पर आपके पास प्लान नहीं हो तो पूरा साल भी सफिशिएंट नहीं है प्रीलिम्स निकालने के लिए, और आपके पास सिर्फ 1 महीना हो बट आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान हो, एक सही स्ट्रेटेजी हो, एक सही आपका पास एक पूरा डे टू डे एक टारगेट हो, तो आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे। तो 1 साल का समय भी सफिशिएंट नहीं है यदि आपके पास एक सही प्लान नहीं है, और 1 महीना भी सफिशिएंट है यदि आपके पास सही प्लान है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होना चाहिए, आपको एक कंक्रीट प्लान बनाना है यदि आप खुद से बना सकते हो, और उस पर स्टिक करना है। और यदि आप अपना प्लान खुद से नहीं बना सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट 80 डेज का एक बहुत ही साइंटिफिक, एक बहुत ही सिस्टमैटिक, एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान शेयर करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे प्लान ही नहीं शेयर करूंगा, मैं आपको एवरी डे का एक्टिविटी, एवरी डे आपको क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, मैं बताने जा रहा हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप को कि मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में प्लान नहीं बताऊंगा, हर एक दिन नेक्स्ट 80 दिन प्रीलिम्स एग्जाम तक आपको हर दिन क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब कुछ बताऊंगा आज मैं। और एक बार आपको यह मालूम चल गया व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, आपको कोई नहीं रोक सकता यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स निकालने से। और गाइस, ये मैं हवाबाजी नहीं करता हूं, मैं जो बोलता हूं अपने एक्सपीरियंस से मैं बात करता हूं। मैंने जो भी लास्ट 2-3 साल में बहुत सारे टॉपर्स को मैंने हेल्प किया है टॉप रैंक्स निकालने के लिए, हर चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरे को एग्जाम में मैंने जब एग्जाम दिया था, जो मेरे लिए काम किया है, उसी एक्सपीरियंस से मैं बात करता हूं। तो मैं जो भी आपको बताऊंगा मैं प्रूवन स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसने मेरे को हेल्प किया है, जिससे मेरे को मार्क्स आया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्लान बताने जा रहा हूं, बट प्लान के पहले मैं आपसे एक बात करूंगा, आपसे एक कमिटमेंट लेना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक कमिटमेंट करते हैं, एक कमिटमेंट करते, एक प्रॉमिस करते हैं कि इस प्लान को नेक्स्ट
80 डेज मैं डेली रिलीजियसली फॉलो करूंगा, रिलीजियसली फॉलो करूंगा, तभी आप इस वीडियो को देखिए। सिर्फ जस्ट देखने के लिए मत देखिए, कोई फायदा नहीं है गाइस। बहुत लोग बड़े बड़े प्लान बनाते हैं बट वो प्लान रखा का रखा रह जाता है। यदि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, डिवोशन नहीं उस प्लान को पूरा करने के लिए, तो अभी भी आपके पास समय है। यदि आपके पास वो डिटर्मिनेशन है कि नेक्स्ट 80 डेज में मेरे को प्रीलिम्स निकालना है, तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि इस प्लान को आपने फॉलो कर लिया, यदि मेरी हर कही हुई चीज इस वीडियो पे आपने यदि फॉलो कर लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स से निकालने से रोक नहीं सकती। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो नेक्स्ट 80 डेज है उसको मैंने वीकली टारगेट्स में डिवाइड किया है और वीकली टारगेट्स को मैंने डेली टारगेट्स में डिवाइड किया है। चलिए मैं आपको अपना प्लान दिखाता हूं। तो गाइस ये प्लान है, वीकली प्लान है। तो इस प्लान में मैंने क्या किया है, इस प्लान को मैंने दो पार्ट्स में पहले तोड़ा है। फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन है, आप देख सकते हैं, जो 25 मार्च से स्टार्ट हुआ है जस्ट एक दिन पहले, और वो चलेगा आपका 19 मई तक ये फर्स्ट साइकिल ऑफ रिवीजन चलेगा। तो अभी भी आप 19 मई तक एक बार पूरा सब्जेक्ट प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपके मन में डाउट था कि यूपीएससी का सिलेबस तो इतना वास्ट है, मैं कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, किस दिन पढ़ूं, तो गाइस इस प्लान को यदि आप फॉलो करेंगे, वीकली आपके पास वीकली टारगेट है एक सब्जेक्ट का, उस वीक के टारगेट को मैंने क्या किया, यहां दिखाता हूं मैं आपको, मैंने डेली उस वीक को डेली टारगेट से मैंने तोड़ दिया है। आप देखो 26 मार्च टुडे टारगेट बायोटेक सेक्टर सोर्स, मैंने बोला था ना व्हाट हाउ वेयर व्हाई, तो देखो यहां सोर्स दे दिया मैंने, सोर्स क्या है सारा सोर्स बता दिया। प्लस हर दिन यूट्यूब पे मैं आता हूं और उस दिन का इस टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो जिसपे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मैं हर दिन वो टॉपिक को आप पब्लिश करता हूं। तो आपको टारगेट भी मिल गया, आज क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब मैं आपको बताता हूं। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैं देखता हूं वो क्या करते हैं, वो अपना सारा एनर्जी ना एक फॉल्टी प्लानिंग, फॉल्टी रिसर्च, फॉल्टी एनालिसिस में लगाते रहते हैं और अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। गाइस मैंने यूपीएससी के टॉपर्स को मेंटर किया है, लास्ट 2-3 साल में मैंने बहुत सारे अंडर 100 स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। एक चीज में जो मैंने देखा है, जो टॉपर्स की क्वालिटी होती है वो अननेसेसरी टाइम एनालिसिस पे वेस्ट ना करके, वो जो उनको रियल फायदा मिलेगा पढ़ने का, कंप्लीट करने का, टॉपिक कंप्लीट करने का, क्वेश्चन बनाने का, वो वहां टाइम स्पेंड करते हैं। और जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, जो स्टूडेंट्स फेल करते हैं, वो अपना सारा समय फालतू का एनालिसिस में वेस्ट करते हैं, फालतू का कुछ भी प्लानिंग करने लगते हैं और प्लानिंग को स्टिक नहीं रखते हैं। तो गाइज सारा एनालिसिस मैंने ऑलरेडी अपने एक्सपर्ट एक्सपीरियंस से कर लिया है। आपको एक प्लान मैंने बना लिया, यहां आपको जो मैंने एक प्लान दिखाया था हर वीक क्या पढ़ना है, इसमें मैंने एक भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है, एक भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है। हर वीक क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये भी मैंने बता दिया है ऑलरेडी। मैं आपको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट दे रहा हूं, उस कंटेंट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपको, वो भी मैं डेली आके यूट्यूब पे बता रहा हूं। इसके बाद मान लो आपने सुबह को ये टारगेट मिल गया, आपने शाम तक ये टारगेट कंप्लीट कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं जस्ट दिखाता हूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं अराउंड 26,000 स्टूडेंट्स हैं यहां पे। वहां पे मैं हर रात
जब दिन खत्म होता है मैं उस टॉपिक का PYQ डिस्कस करता हूं। तो जो भी टारगेट था, देखो आप यहां देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी टारगेट था, तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक दिया, और रात को जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है गाइस, लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध PYQ बना रहे हैं गाइस। अंधाधुंध बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको करना क्या है, जो भी टॉपिक आपने पूरे दिन पढ़ा, आपको एक आइडिया चल गया ठीक है, इस ईयर बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक एनालिसिस आपको उन PYQs को रिवाइज करना है, उन PYQs को सॉल्व करना है, उन PYQs को ब्रेनस्टॉर्म करना है जो उस टॉपिक पे आया है जो इस साल रेलिवेंट है। गाइस सारे टॉपिक्स, सारे PYQs रेलिवेंट नहीं होते। जो क्वेश्चन था ना आपके मन में, क्या अभी भी 80 दिन में मेरा प्रॉब्लम निकल सकता है? ये तभी निकल सकता है जब आपके पास एक रेजर फोकस आ गया है, आपका आपने अपने स्कोप को कम कर दिया। गाइस आप हर कुछ करने जाओगे UPSC में, इस नेक्स्ट 80 डेज में आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, ये जो स्कोप है ना, स्कोप ऑफ योर स्टडी को कम करना है, लिमिट करना है। कैसे लिमिट करना है, तो आपको मैं वो एनालिसिस करके देने वाला हूं टॉपिक, कि आपको आज इतना ही टॉपिक पढ़ना है, यहां से पढ़ना है, सो दैट आपका सारा एनर्जी पढ़ने में लगे, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट ना हो रिसर्च में, एनालिसिस में, क्योंकि वो रिसर्च में अपने एक्सपर्ट एक्सपीरियंस से ऑलरेडी मैंने साल भर करंट अफेयर्स पढ़ाई पढ़ा है, मैंने उसे एनालाइज करके मैंने एक टॉपिक लिस्ट बनाया है, वो टॉपिक लिस्ट यहां है गाइस, इस टॉपिक लिस्ट को आप यूज करें। आप बोलोगे कि क्यों मैं इस टॉपिक को पढ़ूं, आपको मैं बताता हूं, यहां मैं उस चीज का भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। लास्ट ईयर 30 से 40 क्वेश्चंस मेरे प्रेडिक्शन से आए थे, लास्ट ईयर कट ऑफ सिर्फ 79 मार्क्स गया था। यदि आप मेरे प्रेडिक्शंस को भी बना के चल गए होते ना, तो आपका UPSC का प्रश्न निकल गया होता। यहां पे इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जिन्होंने मेरे प्रेडिक्शंस को लास्ट ईयर देखा था और उन्हें फायदा हुआ था। मैं उन सारे बच्चों को बोलूंगा, जरूर आप इस कमेंट करें यदि आपको लास्ट ईयर मेरे प्रेडिक्शन से फायदा हुआ था, इफ यू वर बेनिफिटेड लास्ट ईयर फ्रॉम माई प्रेडिक्शन, जरूर आप कमेंट करें, मैं देखना चाहता हूं। लास्ट ईयर एग्जाम जस्ट होने के बाद मेरे को कम से कम सैकड़ों कॉल आए थे कि सर आपने जो पुमपोर का क्वेश्चन बोला, आपने जो सोमालिया का क्वेश्चन बोला, आपने जो यूक्रेन का क्वेश्चन बोला, आपने जो कोबाल्ट का क्वेश्चन बोला, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, इस साल भी आएंगे। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपको बोलता हूं इस साल भी आएंगे, क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन होता है वो एक साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक एनालिसिस के बाद में प्रेडिक्ट करता हूं, PYQs को एनालाइज करके, करंट अफेयर्स को एनालाइज करके, और जो पेपर सेटर का साइकोलॉजी मैंने पकड़ा है पिछले 10 सालों में, उस साइकोलॉजी के बल पे मैं प्रेडिक्ट करता हूं। और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस साल भी मेरे 30 से 40 क्वेश्चन जरूर लड़ेंगे। तो यदि किसी भी स्टूडेंट को एक डाउट भी है, थोड़ा सा भी डाउट है, आयोटा और डाउट ऑल्सो हैज एनीवन, दैट इज इट टू लेट फॉर द प्रीलिम्स 2024? नो माय फ्रेंड्स, यू हैव सफिशियंट टाइम टू क्रैक द UPSC प्रीलिम्स, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू डू द राइट थिंग, यू आर विलिंग टू टेक द राइट गाइडेंस, यू आर विलिंग टू पुट द राइट एफर्ट, यू आर विलिंग टू बी डिसिप्लिन फॉर द नेक्स्ट 80 डेज। इट इज मोर देन एनफ टाइम, लेट मी रिपीट, इट इज मोर देन एनफ टाइम टू क्रैक दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम कंडक्टिंग अ ऑप्शन एलिमिनेशन वेबिनार, यू कैन सी हियर द डिटेल्स आर गिवन हियर, on this coming Sunday. In 3 hours, I'm going to teach you the most basic to the most advanced option elimination technique which can give you at least 10 to 15 questions in the UPSC prelims examination. You will be able to solve without any knowledge. You will become an expert on option elimination. That is my assurance. So the link of this option elimination webinar is given in the description.
प्लीज डू रजिस्टर फॉर इट. फर्दर आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज प्रैक्टिस माय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस. गाइस एज पर द प्लान यू कैन सी, एज पर दिस प्लान एवरी वीक वंस वी कवर आवर टारगेट आई हैव गिवन यू सम टेस्ट्स फॉर प्रैक्टिस. लेट मी शो फॉर साइंस एंड टेक व्हाट ऑल टेस्ट आई हैव गिवन यू. कैन सी फॉर साइंस एंड टेक आई हैव गिवन यू एनसीईआरटी साइंस एंड टेक टेस्ट, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज सर एनसीईआरटी में कितना पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं साइंस के. आपको टेंशन नहीं लेना, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैंने अपने एनसीईआरटी टेस्ट में कवर कर दिया है. देन आई हैव टू एडवांस टेस्ट एंड देन आई हैव वन ऑप्टिमा टेस्ट. ये आपने चार बना लिया, ये 400 क्वेश्चन बना लिया आपने, प्लस जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैं आपको डिस्कस करूंगा आपने वो कर लिया, आपका बन गया, प्रॉब्लम्स इजीली आप निकाल ले जाओगे. तो गाइस विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन. गाइस प्लीज डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी डाउट में हैं कि क्या 80 दिन जो है अभी क्या ये सफिशियंट है. मैं बोलता हूं सफिशियंट नहीं, मोर देन सफिशियंट है. यदि आपका राइट बिलीफ सिस्टम हो, राइट प्लानिंग हो, राइट स्ट्रैटेजी हो, राइट एफर्ट हो, तो 80 दिन मोर देन सफिशियंट, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. थैंक यू गाइस.